वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी टीम के टारगेट बैट्समैन के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे एक इंग्लैंड का यंग प्लेयर है जो कहीं ना कहीं आरसीबी टीम में देखा जाए आईपीएल 2025 में एंट्री मारता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, आईपीएल का पहले 20 साल रह चुके हैं, मेरे हिसाब से दो फ्रेंचाइजी में इनका नाम ऑलरेडी आ चुका था आईपीएल में, जहाँ पर नंबर 1 पर ये हैदराबाद यानी कि SRH की टीम में, हम बात कर रहे हैं हैरी ब्रुक की, ठीक है। और दूसरी फ्रेंचाइजी की बात करेंगे तो वो आप लोगों को दिल्ली कैपिटल की टीम देखने को मिलेगी, लेकिन दिल्ली कैपिटल में देखा जाए वो खेल नहीं पाए थे, फिर वो वापस उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हैरी ब्रुक की, तो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये प्लेयर। देखा जाए प्रॉपर देखा जाए क्रिकेटिंग शॉट मारते हैं, अच्छी खासी बैटिंग करना जानते हैं, और इनका देखा जाए जो फर्स्ट सीजन था वहाँ पर उन्होंने देखिए एक सेंचुरी भी बना दी थी। इनफैक्ट मुझे याद है KKR के सामने उन्होंने वो सेंचुरी बनाई थी, तो आप लोग समझ सकते हो कि बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं। और देखिए जो 13 करोड़ का जो देखा जाए बहुत बड़ा पैकेज देखा जाए इन्हें खरीदा गया था में, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर इनमें आ गया था, क्योंकि अगर आप देखोगे किसी भी प्लेयर को आप पहला सीजन जो पहला मैच खेलेगा उससे देखा जाए 13-14-15 करोड़ में अगर खरीद लेते हो, उनसे कह देते हो कि जाइए एवी डिविलियर्स जैसी परफॉर्मेंस कीजिए, विराट कोहली जैसी परफॉर्मेंस कीजिए, हर मैच में रन बनाइए, भाई वो कैसे बना देगा। मतलब एशियन कंडीशन में भी शायद पहली बार खेलने के लिए आए थे, इंडियन कंडीशन में पहला मैच उनका देखा जाए आईपीएल में खेला गया था। और देखिए आईपीएल कोई छोटी मोटी लीग है नहीं है, आप लोगों को खुद मालूम है कि एक से बड़े बड़े फास्ट बॉलर आते हैं यहाँ पे और एक से एक बड़े बड़े बैट्समैन आते हैं यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है इतना आसान तो होना नहीं था हैरी ब्रुक के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस की थी, ठीक ठाक परफॉर्मेंस मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं कर दी थी और बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं की थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी। आरसीबी टीम को देखिए मिडिल ऑर्डर के लिए एक फ्यूचर स्टार चाहिए पड़ेगा, मेरे हिसाब से हैरी ब्रुक वो प्लेयर हो सकते हैं। हैरी ब्रुक टॉप 5 में कहीं पर भी बैटिंग कर सकते हैं। अब देखिए आने वाले टाइम पे देखिए अभी इंग्लैंड की टेस्ट टीम के वो आपको 22 कैप्टन देखने को मिला, यानी कि इंग्लैंड की टेस्ट टीम में वो लगभग लगभग परमानेंट हो गए हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे T20 ODI में भी उन्हें कंसीडर किया जाएगा, यानी कि इंग्लैंड की टीम ने पूरा मन बना लिया है कि हैरी ब्रुक उनकी टीम के देखा जाए फ्यूचर स्टार बनने वाले हैं। वो देखा जाए एक नई ब्रांड के तौर पर हैरी ब्रुक को देख रहे हैं, लाइक जैसा कि इंडिया में सुमन गिल को देखा जा रहा है, वैसे ही देखा जाए इंग्लैंड में अब आप लोगों को वहाँ पर हैरी ब्रुक देखने को मिलेंगे। और एक ऐसा प्लेयर जो देखा जाए आने वाले टाइम पर इंग्लैंड की टीम को लीड करता हुआ नजर आएगा, वो आपको अगर आरसीबी की टीम में देखने को मिलेगा, तो आरसीबी की टीम बहुत ज़्यादा अच्छी बनने वाली है, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग यूनिट बनेगी। और इनके पास देखिए आरसीबी टीम के पास यंग प्लेयर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो फ्यूचर में आप फिर देखा जाए फाफ डुप्लेसी जैसे किसी एजिंग प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करते हुए नजर आओगे। तो मेरे हिसाब से हैरी ब्रुक अगर आरसीबी टीम में आ जाते हैं तो आरसीबी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और इनकी देखा जाए बैटिंग लाइनअप भी काफ़ी तक सॉर्टेड हो जाएगी। बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से हैरी ब्रुक आरसीबी में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, कमेंट में जरूर बताना।